सर्कल के फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट ड्रा किए गए हैं PA एंड PB। तो यहाँ पे प्रूव करना है हमें कि PAOB कौन साइक्लिक है। कौन साइक्लिक का मतलब एक सर्कल के पार्ट, एक ही सर्कल के पार्ट है। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि आप प्रूव करो कि एक ऐसा सर्कल हो सकता है जो पी ए बी और ओ को टच करता हो, बने एक ऐसा हो सकता है। तो ऐसा होने के लिए ये जो पी ए ओ बी क्या होना चाहिए, एक साइक्लिक क्वाड्रेंट होना चाहिए। मतलब अगर हम प्रूव कर दें कि पी ए बी पी ए ओ बी एक साइक्लिक क्वाड्रेंट है, तो ये प्रूव हो गया कि पी ए ओ बी क्या है, कौन साइक्लिक। तो साइक्लिक क्वाड्रेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यही होता है। तो हमें प्रूव कर देना है कि ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये OA क्या है, रेडियस है, PA टेंजेंट है, तो यहाँ 90 डिग्री होगा। OB रेडियस है, PB टेंजेंट है, तो यहाँ भी 90 डिग्री होगा। तो आप लिखेंगे कि PA इज परपेंडिकुलर ऑन OA, ठीक है। इसका मतलब एंगल A जो है वो 90 डिग्री है, क्लियर। एंड PB इज परपेंडिकुलर ऑन OB, इसका मतलब एंगल B क्या है, ये भी 90 डिग्री है। मींस एंगल A प्लस एंगल B कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, क्लियर। नंबर वन बना के छोड़ देते हैं। अब आगे देखते हैं ये दोनों मिलके कितने होंगे। तो आपको पता है कि क्वाड्रेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O, ये चारों मिलकर के 360 डिग्री होते हैं। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटरल, क्वाड्रेटरल के चारों इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो एंगल P रहने देते हैं, एंगल A प्लस B हमारे पास है 180 डिग्री और एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री। मींस एंगल P प्लस एंगल O कितना हो गया, 360 माइनस 180 डिग्री। मींस एंगल P प्लस एंगल O 180 डिग्री। तो आप यहां देख रहे हैं कि बाय द फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिल रहा है, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है। मींस बाय, आप यहां लिख सकते हैं बाय फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट दैट पी ए ओ पी ए ओ बी इज साइक्लिक क्वाड्रेंटर। हेंस पी ए ओ एंड बी आर कौन साइक्लिक, ये आपका प्रूव हो गया। बस बहुत छोटा क्वेश्चन था, ओके।